हेलो गाइस, आपका स्वागत है ऑनलाइन टेक स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप एक प्रिंटर लेना चाहते हैं और काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं कि कौन सा प्रिंटर लें कौन सा ना लें, तो इस वीडियो में मैं एक प्रिंटर की अनबॉक्सिंग, रिव्यू, सेटअप का फुल प्रोसेस और प्राइस अवेलेबिलिटी के बारे में सारी चीजें बताऊंगा, जिससे कि आप अपने जरूरत के हिसाब से सही प्रिंटर खरीद पाएंगे। तो यहाँ पर मैं अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करूंगा इप्सन L360 इंक टैंक प्रिंटर की। यह एक ऑल इन वन प्रिंटर है, यानी कि इसमें आप प्रिंट, कॉपी और स्कैनिंग सारे काम कर सकते हैं। ब्लैक इंक पर आप 4500 पेज और कलर इंक पर आप 7500 पेज प्रिंट भी निकाल सकते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग पर 33 पेज पर मिनट तक की स्पीड मिल जाती है। कलर प्रिंटिंग पर लगभग 15 पेज पर मिनट की स्पीड मिलती है। स्कैनिंग का रेजोल्यूशन 600x1200 DPI है। प्रिंट का रेजोल्यूशन 5760x1440 DPI है। यहाँ पर हैंडल विद केयर का निर्देश है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो अनबॉक्सिंग हमने कर ली है और यहाँ पर हमें पावर केबल मिल जाती है, साथ में एक ड्राइवर CD, एक यूजर मैनुअल और एक वारंटी बुकलेट भी मिल जाती है। और ये साथ में आपको PC से कनेक्ट करने के लिए USB केबल मिल जाती है। इसके अलावा ब्लैक और कलर की 4 इंक बॉटल भी मिलती हैं। अब प्रिंटर को बाहर निकाल लेते हैं और इसके सारे टेप को बड़ी ही सावधानी से बाहर निकाल देते हैं। दोस्तों, इस प्रिंटर में आपको पावर ऑन ऑफ बटन मिल जाएगा। इसके अलावा ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी निकालने के लिए ये बटन है और ये कलर कॉपी करने के लिए बटन दिया गया है। दोनों को साथ में प्रेस करेंगे तो आपकी कॉपी स्कैन हो जाएगी और ये स्टॉप बटन है। साथ ही में ये इंक चार्जिंग के लिए भी यूज किया जाता है। इसके नीचे पेपर और इंक इंडिकेटर है, ये पेपर ट्रे है और ये स्कैनिंग ट्रे है। और ये आपके प्रिंटर के अंदर का सिस्टम है। प्रिंटर के पीछे यहाँ से हम PC से कनेक्ट करते हैं प्रिंटर को और यहाँ पर पावर केबल को लगाते हैं। और ये पेपर इनपुट ट्रे है और इसके अंदर ये मार्जिन सेट करते हैं पेपर की। ये इंक टैंक है जिन्हें हम फिल करेंगे। इन सारे स्टेप्स जैसे इंक फिलिंग, इंक चार्जिंग को आप ड्राइवर इंस्टॉल करते समय इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं, लेकिन हमें सब कुछ पहले से ही पता है तो मैं इसे पहले ही कर लेता हूं ताकि जो स्टेप्स हैं वो जल्दी कंप्लीट हो जाए और हम आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में बता सकें। यहाँ पर इंक बॉटल पे जो कोड है उसे देखते हुए उसी ब्लॉक में हमें वो कलर डालना है। तो ये काम आप कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी है कि ये बाहर नहीं गिरना चाहिए कलर। और ये आपको खास ध्यान रखना है कि इंक भरने से पहले आपको बॉटल को कुछ इस तरीके से सेक कर लेना है, जिससे कि ये आपस में मिल जाए कलर और आपकी प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी हो सके। तो इसे हम ओपन करके भर देते हैं। एक ब्लॉक में एक पूरी बोतल आराम से खाली हो जाएगी। इंक फिल करके इंक टैंक को बहुत ही अच्छे से बंद कर देना है। अब पावर केबल से प्रिंटर को कनेक्ट कर देना है और पावर बटन ऑन कर लेते हैं। अब आपका पावर बटन की ग्रीन लाइट ब्लिंक होना शुरू हो जाएगी। जब ये ग्रीन लाइट ब्लिंक करना बंद कर दे तो ये राइट साइड वाला बटन लॉन्ग प्रेस या 4 सेकेंड तक प्रेस करके इंक चार्जिंग को ऑन कर देना है। इंक चार्जिंग तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक लाइट ब्लिंक करती रहेगी। इंक चार्जिंग में लगभग 20 से 25 मिनट का समय लगेगा। तो इस बीच हम ड्राइवर को इंस्टॉल कर लेते हैं अपने कंप्यूटर में। ड्राइवर इंस्टॉल करते समय ये स्टेप्स दिखा रहा है जो हम पहले कर चुके हैं, तो उन्हें हम नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहेंगे, बाकी स्टेप्स को पूरा कर लेते हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है कि कंप्यूटर को प्रिंटर से कनेक्ट कीजिए इस डेटा केबल से जो हमें साथ में मिली हुई थी। जैसे ही आप इसे कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर एक टिक लग के आ जाएगा, यहाँ से आप नेक्स्ट कर पाएंगे। अब सीट फीडर में पेपर को लगा देते हैं और आउटपुट ट्रे को ओपन कर लेते हैं। अब प्रिंट टेस्ट पेज पर क्लिक करते हैं और हमारा प्रिंट जो है वो निकलने लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंट क्वालिटी अच्छी है, लेकिन आपकी सेटिस्फिकेशन के लिए हम कुछ और प्रिंट निकालेंगे। अब हम आपको एक ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी निकाल कर दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम सफ़ेद वाला बटन प्रेस करते हैं और ये कॉपी हमारी सामने आ जाती है। वीडियो को मैं फास्ट कर देता हूँ। तो ये प्रिंट आ गया मेरा बाहर और यहाँ पर इस प्रिंट की क्वालिटी आप देख सकते हैं। ये ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी मैंने निकाली है। अब हम आपको कलर कॉपी निकाल के दिखाते हैं। उसके लिए आप ये बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर ये मेरा दूसरा जो प्रिंट आ रहा है वो कलर में है। तो ये इसकी कलर कॉपी है। तो हम एक बात कह सकते हैं कि इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छी है, जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं एक अच्छे प्रिंटर से। अब चलिए हम आपको स्कैनिंग करके दिखाते हैं। तो इसके लिए आपको दोनों बटन को एक साथ प्रेस करना होगा। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने स्कैन कॉपी जो है वो
पीडीएफ फाइल में सामने आ जाएगी। और इसको हम ओपन करके दिखाते हैं तो यहाँ पर आपको जो स्कैनिंग क्वालिटी है वो काफ़ी डिटेल में मिल जाती है, काफ़ी अच्छी इसकी स्कैनिंग है। अब हम आपको दिखाएंगे इसमें एक कलर कॉपी कंप्यूटर से निकाल करके, तो ये कलर प्रिंट मैं यहाँ से निकाल दे रहा हूँ और आप देख सकते हैं लाइव यहाँ पर कैसे इसमें प्रिंटिंग होती है। जो कुछ है आपके सामने है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का जो प्रिंट है वो भी हमें इसमें मिल जाता है। दोस्तों अगर बात करें इसकी प्रिंट कॉस्ट की तो काफ़ी सस्ती पड़ती है और प्रिंट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, जैसा कि आपने अभी देखा इसमें वाईफाई प्रिंटिंग, डुप्लेक्स प्रिंट और कोई भी एक्स्ट्रा डिस्प्ले वगैरह नहीं मिलती है। इसको मैंने फ्लिपकार्ट से 8,999 रुपये की प्राइस पर खरीदा था जो कि फेस्टिव सेल में था। तो अगर इप्सन L360 आपको 9,000 रुपये तक मिलता है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज आपको इप्सन L380 10,000 से 10,300 रुपये तक ऑनलाइन और लोकल मार्केट दोनों जगह पर मिल जाएगा। इसमें आपको दो ब्लैक इंक बॉटल एक्स्ट्रा मिल जाएंगी और इप्सन L360 और इप्सन L380 में मेजर डिफरेंस कोई नहीं है। इप्सन L380 में थोड़ा प्रिंट स्पीड ज़्यादा मिल जाएगी, इप्सन L380 में भी वाईफाई प्रिंटिंग नहीं मिलती है। वाईफाई प्रिंटिंग के लिए इप्सन L405 और इप्सन L485 को आप देख सकते हैं, जरूरी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। गाइस आई होप यू लाइक दिस वीडियो, कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट कीजिए और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। देखते रहिए ऑनलाइन टेक स्टडी यूट्यूब चैनल।